मेरा नाम है शुक्ल और आप सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट बीट पर। तो आज मैं एक सब्जेक्ट के ऊपर बेसिक करके कुछ बनाऊंगा, मीन्स कुछ एक चीज़ के ऊपर फोकस करके बनाऊंगा। उसका जो पास होना या उसका बैकग्राउंड कैसे होगा ये बनाऊंगा। तो चलो वीडियो को पूरा देखो। तो चलो मैं फर्स्ट टोन कलर्स इसमें दे रहा हूँ। मैं थोड़ा सा येलो ऑकर एंड ऑरेंज दिया। अब मैं दे दूंगा लाइट ग्रीन, बिल्कुल हल्का से देना है, डार्क बिल्कुल भी नहीं करना है। और थोड़ा सा रेड दे दूंगा। मैं बैकग्राउंड को थोड़ा सा हाईलाइट कर लूँगा। यह दे दिया मैंने पर्पल कलर का डार्क शेड। तो चलिए ये हो गया। अब मैं कर लूँगा लीव्स, लीव्स बिल्कुल हल्का करके करना है। और आपको थोड़ा सा प्लान कर लेना पड़ेगा कि आप कहाँ पे लीफ करोगे और कहाँ पे फ्लावर, ये आपके मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यह कर दिया थोड़ा सा फ्लावर, और इस प्रोसेस से ही मैं पूरा फ्लावर वाला पार्ट कर लूँगा। तो चलिए मेरा लीफ का फर्स्ट टोन कंप्लीट हो गया है। मैं इस वीडियो में लीफ का सेकेंड टोन नहीं दिखाऊँगा क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रोसेस है, और अगले एक वीडियो में मैं आपको वो करके दिखा दूंगा। और यहाँ पे कर लूँगा मैं बैकग्राउंड का थोड़ा सा शेडिंग। अगर आपको वो लीफ का सेकेंड टोन वाला वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वो वीडियो आसानी से मिल जाए। तो चलो मैं कर लूँगा अब थोड़ा सा बैकग्राउंड का सेकेंड टोन। देखिए मैं धीरे धीरे डार्क में आ रहा हूँ, ज़्यादा डार्क मुझे नहीं देना है। और वहाँ पे भी मैं थोड़ा सा ग्रे कलर से शेडिंग कर लिया। अब मैं करूँगा कलर मिक्स करके ग्रे कलर से करूँगा वो लैम्प पोस्ट। ये मॉर्निंग का टाइम है इसीलिए इसको ग्रे कलर से किया। और यहाँ पे भी देख सकते हो मैं फर्स्ट सेकेंड टोन कैसे दे रहा हूँ। और वहाँ पे कर दिया थोड़ा सा शेडिंग सेकेंड टोन का, और वहाँ पे भी थोड़ा सा कर दिया। अब मैं आ जाऊँगा थर्ड टोन में। थर्ड टोन से भी धीरे धीरे हमको करना है, ये हम करेंगे फोर शेड्स और फोर टोन्स में। ये थर्ड टोन कंप्लीट हो गया। अब आएगा इसमें फोर्थ टोन। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा डार्क कर लिया मैंने कलर को, पर ये ग्रे कलर ही है। आप डायरेक्ट ब्लैक मत यूज़ कीजिएगा, वो आपके पेंटिंग को बिगाड़ सकता है। वो कर लिया मैं हाइलाइटेड पार्ट्स। आप देख सकते हैं कि मेरे करने के तुरंत बाद ही ये कलर फेड हो रहा है। अब देखो, अब मैं थोड़ा सा ग्लास पे शेडिंग कर दूंगा ताकि ये रियल लगे। और ये कंप्लीट हो गया। अब मैं थोड़ा सा ऊपर वाला जो ढक्कन है लैम्प पोस्ट का उसमें शेडिंग कर लूँगा। आपको पूरा हल्का हाथ से करना है, ज़्यादा कलर नहीं देना है। अगर ज़्यादा कलर आप देंगे तो आपका पेंटिंग बिगड़ सकता है। अब मैं कर लूँगा थोड़ा सा ब्लैक से शेडिंग, आप इसको फिफ्थ टोन भी कह सकते हो। तो मेरा पेंटिंग ख़त्म हो गया, आप देख सकते हो पेंटिंग को। फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो एक लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स पे बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कर देना। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ऑल वाला बेल नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय।